हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 1 में देखते हैं ग्रहों के अंग्रेजी नाम यानी प्लैनेट्स नेम इन इंग्लिश। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में यानी सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं जो निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट नंबर में आता है मंगल ग्रह, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं सेकंड नंबर में आता है बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी कहते हैं। फिर थर्ड नंबर में आता है बृहस्पति ग्रह, जिसे जुपिटर कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर में आता है शुक्र ग्रह, जिसे वीनस कहते हैं। फिफ्थ नंबर में आता है शनि ग्रह, जिसे सैटर्न कहते हैं। सिक्स नंबर में आता है पृथ्वी ग्रह, जिसे अर्थ कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम किस ग्रह में रहते हैं। सातवां है अरुण ग्रह, जिसे इंग्लिश में हम नेपच्यून कहते हैं। आठवां है वरुण ग्रह, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। सूर्य, जिसे इंग्लिश में सन कहते हैं। आपको हम दोस्तों बता देंगे, शनि तुम्हारा इतना बड़ा है कि पृथ्वी इस पर करोड़ों अरबों खरबों इस पर समा सकती हैं। इतना बड़ा सूर्य है, आप ये समझ लीजिए हमारा सूर्य ये है तो पृथ्वी ये है, राइट? ऐसा ही है, यही समझ लीजिए। जो फिगर मैंने बनाया है ये सूर्य समझ लीजिए और इसे पृथ्वी समझ लीजिए। सौरमंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं। चंद्रमा को मून कहते हैं। चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। तारे, जिसे इंग्लिश में स्टार्स कहते हैं। बादल, जिसे इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं। आसमान, जिसे इंग्लिश में स्काई कहते हैं। एक नौवां भी ग्रह था जो 2006 में निरस्त हो गया यानी गायब हो गया, क्योंकि यह दूसरों ग्रहों में चक्कर लगाता था। जिस प्रकार ये समझ लीजिए, यानी ये आपका क्या कहते हैं,